दोस्तों कभी कभी आप यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो ऐसे देखते होंगे जैसे कि होममेड डिश बनाकर सभी लोग यूज़ कर रहे हैं और सिग्नल कैश कर रहे हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और स्वागत है आपका डिटेल्स पर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आपका मन में ज़रूर एक सवाल आया होगा, यार कैसे होममेड डिश बनाकर जो सीबीएन का सारे सैटेलाइट है ये कैसे कैश करे और कैसे फ्री में चैनल देखे। लेकिन दोस्तों जब होममेड डिश बनाने के सवाल सामने आते हैं, सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो डिश साइज़ का, मतलब डिश जो साइज़ होता है उसका जो माप होता है वो कितना है, और अगर डिश बना भी लेते हैं तो मतलब कि सिग्नल अच्छी तरह से कैश नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको पता चलेगा 6 फीट डिश बनाने का जो माप होता है वो कितना कितना होता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और जान लेते हैं 6 फीट डिश बनाने के लिए आपका कितना कितना माप किधर पर देना पड़ेगा। तो आइए तो देखिए, ये जो डिश है ये मेरा 6 फीट का डिश है, ठीक है। तो 6 फीट डिश का हम लोग एक एक करके नाम देंगे। तो आप देखिए, जो नीचा हिस्सा है इसको आप एक नाम देंगे, और जो 2 है और 3 है उस तरफ उसको 2 या 3 नाम देंगे। और दोस्तों जो 2 या 3 नाम देंगे ये कब से मैंने लिया है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ बाद में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी डिश का इधर से उधर एक रस्सी बांध रहा हूँ, यानी कि दोस्तों ये जो डिश है ये 6 फीट का है तो रस्सी भी 6 फीट का होगा। तो आप देख सकते, तो मैंने एक रस्सी अभी बांध के रखा हूँ और डिश को आधा अभी माप रहा हूँ, मत यानी कि ये जो डिश है ये 6 फीट का है तो आधा इसका 3 फीट होगा। तो दोस्तों अभी देखिए, ये जो मेरा डिश है ये 3 फीट का ही है, ठीक है। और 3 फीट का आधा कर रहा हूँ, तो आधा करने के बाद जो पोजीशन आपको आएगा वो मैंने 2 या 3 फीट नाम दिया था। तो दोस्तों देखिए, तो डिश का बाहर से जो 3 नाम दिया था उसका जो माप है वो आपको 1.5 फीट है, और अभी जो हम माप रहे वो है जो 3 नाम दिया था, 3 से ऊपर जो रस्सी है उसको कितना ऊंचा आपको रखना है। तो देखिए, जो मैं अभी आपको माप के बता देता हूँ, तो देखिए ये जो माप दिया था ये 9 इंच है। तो आप देख सकते हैं 9 इंच जो है, और जो एक नाम दिया था 1 से ऊपर जो रस्सी की तरफ जो हाइट है ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपको 13 इंच जो है आप है। तो अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं 13 इंच है। और अभी बात करते हैं जो LNB स्टिक होता है ना वो कितना आपको रखना है। तो दोस्तों अगर आप जितना डिश बना रहे हैं उसका आधा जो होगा वही LNB का स्टिक होगा, तो सही पोजीशन है। तो मेरा जो डिश है ये 6 फीट का है, यानी कि आधा 3 फीट का है, तो LNB जो स्टिक होगा वो भी 3 फीट का है। तो देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, LNB जो स्टिक है ये 3 फीट का ही है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कितना किधर आपको 6 फीट का डिश बनाने के लिए माप देना होगा। दोस्तों अगर आप ये माप देते हैं तो साइज से आपका जो सैटेलाइट है ये ट्रैक हो जाएगा। तो आपने तो वीडियो देखा है, अगर इस वीडियो आपका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आपको नज़र में आएगा उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि हम जब इस चैनल पे डिश से रिलेटेड वीडियो और सैटेलाइट से जुड़ी जानकारी अपलोड करते हैं सबसे पहले उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।